ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम दूसरों के सीक्रेट्स जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? ऐसा क्यों होता है कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है या लोगों के बीच में क्या चल रहा है, इसे जानने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है? बहुत कान लगाकर हम दूसरों की लड़ाइयाँ सुनते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से, क्या तुमको पता है क्या हुआ, क्या तुम जानते हो किसने किसको क्या कहा, पहले किसने किसको मारा, पहले किसने किसको गाली दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि हमें बहुत ज़्यादा हार्टब्रेक करती हैं, बहुत एक्साइट करती हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार हम अपने खुद के सीक्रेट्स जो हैं उनसे डील नहीं करना चाहते, उनके ऊपर से हमारा ध्यान हटाने के लिए हम दूसरों पे ध्यान देना चालू कर देते हैं। कई बार हमारी गलतियों के साथ भी ऐसा ही होता है, अपनी गलतियों पे ध्यान ना जाए इसीलिए हम दूसरों की गलतियों पे ध्यान देना चालू कर देते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम अपने आप के साथ डील नहीं कर सकते? क्यों इतना मुश्किल हो जाता है अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाना? क्यों डे इन डे आउट हम वही बातों में उलझे रहते हैं? और उन सब चीज़ों को दरकिनार करके और उनका सॉल्यूशंस ढूंढे बिना हम दूसरों की चीज़ों में उलझ जाते हैं और उलझते जाते हैं और इतना उलझ जाते हैं कि हम अपना रास्ता ही भूल जाते हैं कि हम कहाँ से चले थे, हम क्या थे और आज हम क्या बन गए हैं। क्या ये अच्छा है हमारे लिए या क्या ये बुरा है हमारे लिए? क्या अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड रखने में हमारा कोई फ़ायदा है या नुकसान है? इस बारे में थोड़ा सा सोचना और मुझे बताना तुमको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है। आप सुन रहे हैं प्रियंका समीर तिवारी को मेरे YouTube चैनल पर। फॉलो दिस वॉइस।